लोगों को कुछ आसपास की खबर भी है कि बराबर में क्या हो रहा है। ऐसी गर्मा गर्म जबरदस्त खबर लेके आई हूँ ना, सुनते ही होश उड़ जाएंगे तुम लोगों के। भैया, अम्मा बी ने रातों रात महाजबीन का निकाह करके रुखसती करके चलता कर दिया, पता भी नहीं चला किसी को कानो खान। अरे ये तो बड़ी हैरत की बात है, इस तरह ऐसे कैसे रातों रात शादी कर दी महाजबीन की और किसी को पता ही नहीं चला। भाई चलो बुलाते ना सही, कम अज कम मोहल्ले वालों को बता ही देती। सोनिया तुझे कुछ पता है इस बारे में? अम्मी मुझे तो इस बात का इल्म ही नहीं था, महानूर भी नहीं आ रही ना इतने दिनों से घर पे, इजाजत नहीं मिल रही ना उसको घर से निकलने की। हाँ वैसे तो तुम्हें ना पूरे जहां की खबरें रहती हैं। मुझे तो लगता है कोई बहुत ही बड़ा मसला हो गया, जब रातों रात चोरों की तरह कौन शादी करता है भला अपनी बेटियों की। उमेर भाई का फोन आया। भाई लो मेरा प्यारा भाई, मेरे शहजादे का फोन आया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हो? अच्छा ये बताओ तुम दुबई से कब आ रहे हो? हाय अल्लाह, ये तो बहुत ही खुशी की खबर है, चल मैं तुझे एड्रेस भेजती हूँ। अरे हाँ हाँ, सोनिया के साथ ही बैठी हूँ मैं भी बात कराती हूँ तुम्हारी। हाँ हाँ, हम इन्हीं के घर में रह रहे हैं, किराया दे रही हूँ मैं। लो वो चली गई शर्मा कर। अच्छा लो ये अपनी सास से तो बात करो, ये लो बात करो। मैं क्यों बात करूँ इस चोर डाकू से, तुम ही बात करो, मुझे फोन दे दो। अच्छा ले तू बात कर। हाँ भाई कैसे आए तू? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सुन, आने से पहले ना मेरी सारी लिस्ट सुन ले, सब लेकर आना है तूने। हाँ दुबई एयरपोर्ट से मेरे लिए बहुत सारी चॉकलेट्स लेके आना, और सुन एक सोने की चीज भी लेके आना, और हाँ सुनो सुनो आखिरी चीज, खजूर वाली बादाम भी लेकर आना, ठीक है? हाँ हाँ चलो ठीक है, ओके ओके। हाँ और सुनाओ कैसा है सब? चलो भाई बहुत बहुत मुबारक हो, मेरा भाई आ रहा है आपका दामाद। हाँ माफ कर दो, पीछे छोड़ दो हमारा, हमने नहीं करनी शादी उस चोर डाकू से, दामाद आ रहा है। चलो चलो मरो। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।